Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the biochemistry in carbohydrate metabolism specifically. इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज जो है वो किस तरह से होता है. इंटरकन्वर्जन मीन्स ग्लूकोज, हाउ द ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन कैन कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज. सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद द ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म, जहाँ पे कि हम ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन एनिमल्स, क्योंकि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, एनिमल सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको ग्लाइकोजन वर्ड लेते हैं. अगर हम प्लांट में इसको देख रहे होते तो दिस विल बी स्टार्च. ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लूकोज से कैसे हो रहा है इन और इसी के रिवर्स में अगर हम देखेंगे तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लूकोज में किस तरह से हो रहा है. तो एक तरह से हम ग्लाइकोजन का सिंथेसिस और उसके डिग्रेडेशन यानी कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म प्रोसेस को, जो ग्लूकोज का है मेटाबोलिज्म है, उसको हम स्टडी करेंगे. सो दिस पार्ट वन वीडियो जो है दिस इज रिलेटेड विद द ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन. तो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन मीन्स ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज के कन्वर्जन को स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्लाइकोजन जो है ये क्या होता है. वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पॉलीमेरिक फॉर्म फॉर स्टोरेज ग्लाइकोजन इन वर्टिब्रेट्स एंड मेनी माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टार्च एंड इन प्लांट्स. सो कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेल्स में हमेशा एक पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. पॉलीमेरिक फॉर्म अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो इट विल बी ग्लाइकोजन, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इट विल बी स्टार्च. ठीक है, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज से हम ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं. क्यों सेल जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखती है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि क्यों सेल जो है वो ग्लूकोज को पॉलीमराइज करके रखती है. इसका आंसर ये है कि अगर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर रहेंगे तो सेल की ऑस्मोलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और सेल की ऑस्मोलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा और सेल विल अल्टीमेटली बर्स्ट. तो इस प्रोसेस को बचाने के लिए यानी सेल की ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज को पॉलीमराइज कर दिया जाता है. ये हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज या जो सेल की ऑस्मोलिटी होती है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, वेट पे डिपेंड नहीं करती है. यानी आपने बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है उनको आपने पॉलीमराइज कर दिया और एक ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज यानी सपोज करिए 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपने एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया. तो ऑस्मोलिटी की अगर हम बात करें तो ऑस्मोलिटी जो है वो 100 ग्लूकोज वाली सेल्स की ज़्यादा होगी वन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, क्योंकि नंबर जो है वो 1:100 हो गया. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है हमेशा ऑस्मोलिटी, वेट पे डिपेंड नहीं करती है. इसलिए सेल हमेशा अपनी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होती हैं उनको स्टोर करके रखने का काम करती है, उसको पॉलीमराइज फॉर्म में रखने का काम करती है. या तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वो फॉस्फोरिलेट करने का काम करेगी यानी उसको फॉस्फोरेट कर देगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉर्मेशन करेगी या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगी. और ये जो नेगेटिवली जो चार्ज हो जाती है ये फिर ऑस्मोलिटी से रिलेटेड नहीं रह जाती हैं, ये फिर फर्दर आपके जो भी डिफरेंट मेटाबोलिज्म चलने वाली है ग्लूकोज की अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेल, उस तरह से फिर वर्क करती हैं. अगर सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है ग्लूकोज की किसी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए तो फिर सेल उसको पॉलीमराइज कर देती है टू मेंटेन इट्स ऑस्मोलिटी. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कोई भी जो फूड मटेरियल है वो एक स्टोर्ड फॉर्म में या एक पॉलीमराइज फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होता है. आप देखिए कि पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेल थर्मोडायनेमिकली फेवर नहीं करती है, ठीक है, लेकिन फिर भी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है. एक्चुअली पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है, और वो सारे प्रोसेस जिसमें सिस्टम एनर्जी देता है यानी डेल्टा जी जिसमें पॉजिटिव होता है वो सिस्टम फेवर नहीं करता, वो रिएक्शन जो होती है वो अनफेवरेबल रिएक्शन होती है. लेकिन फिर भी पॉलीमराइजेशन को फेवर किया जाता है, इसका बेसिक रीजन यही है कि सेल को अपनी ऑस्मोलिटी को मेंटेन करना होता है. इसलिए आप देखेंगे ग्लाइकोजन आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर लीजिए, प्रोटीन की या फैट की, हमेशा एक पॉलीमराइज फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं चीज़ें. प्रोटीन में अमीनो एसिड्स फ्री फॉर्म में नहीं रहते हैं, हमेशा एक पेप्टाइड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. इसी तरह से फैट भी आपका जो है वो ट्राइसल ग्लिसरॉल की एक चेन होती है जिसमें कि आप बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह जो ये सब चीज़ें पढ़ते हो, तो हमेशा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को फेवर किया जाता है.
इनवर्टिब्रेट्स ग्लाइकोजन इज फाउंड प्रिमिनेंटली इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल्स. यहीं पे हम इन दो जगह पे ही बात करेंगे पूरा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को. इट मे रिप्रेजेंट अप टू 10% ऑफ द वेट ऑफ लिवर एंड 1 to 2% वेट ऑफ द मसल्स. ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लार्ज साइटोसोलिक ग्रेन्यूल्स. तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आपके होते हैं बीटा पार्टिकल या अल्फा रोसेट. ठीक है. ग्लाइकोजन इन मसल्स इज देयर टू प्रोवाइड क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आइदर एरोबिक और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म. मसल ग्लाइकोजन कैन बी एग्जॉस्टेड इन द सेल लेस देन एन आवर ड्यूरिंग विगरस एक्टिविटी. जो भी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है उसको हम दो मेन ऑर्गन्स में स्टडी करेंगे. देखिए ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस है वो नियर अबाउट ऑल टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं उनमें होता है. लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, चाहे हम इसके डिग्रेडेशन की बात करें चाहे हम इसके एनाबॉलिज्म की बात करें, हम इसमें मसल्स और लिवर को कंसिडर करते हैं मेनली. ठीक है. इन दोनों में ही मसल, आप इसमें वेट हम बता चुके हैं. वेट अगर हम वेट वाइज देखते हैं तो लिवर में 10% वेट जो होता है लिवर का वो ग्लाइकोजन की वजह से होता है, और मसल्स में जो वेट होता है वो 1 to 2% होता है जो कि इसके वेट की वजह से होता है. लेकिन दोनों में ही रोल जो है ग्लाइकोजन का वो बहुत डिफरेंट होता है. देखिए मसल्स के लिए ऐसे कहा जाता है कि मसल्स सेल्फिश यूज करते हैं ग्लूकोज का. ठीक है. मसल्स हमेशा ग्लूकोज की, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जब भी हमने कोई विगरस एक्सरसाइज की होती है, उस समय ही आपकी यूटिलाइज होती है. यानी मसल्स की ग्लाइकोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंटेंस एक्सरसाइज आपने की है, मसल्स को आपने यूज किया है, उस वक्त पर अपना एक्सपेंड करती हैं. लेकिन लिवर का जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल से कंट्रोल होता है. अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो लिवर का ग्लाइकोजन जो है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को एक तरह से आपका नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है. यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो कंसंट्रेशन है उसमें मसल्स का कोई रोल नहीं होता है. मसल्स, जब भी ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई होता है, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लिया है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है. ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज को कैप्चर करने का काम भी मसल्स करती हैं. यानी जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ, मसल्स जो है वो ब्लड ग्लूकोज को लेती हैं. जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है उस वक्त लिवर सेल्स जो होती हैं उसके लिए रिएक्ट करती हैं और लिवर सेल्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं. लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो मसल्स कोई रोल प्ले नहीं करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए. इस समय लिवर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल प्ले करता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करता है. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट दैट हैज टू बी इन योर माइंड व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म. कि ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म एक्चुअली लिवर और मसल्स में किस वक्त यूज में आ रहा है, कौन क्या फंक्शन कर रहा है. जब आप इन कॉन्सेप्ट के साथ किसी भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ना. लिवर ग्लाइकोजन सर्व एज अ रिजर्वर ऑफ द ग्लूकोज फॉर अदर टिश्यूज व्हेन डाइटरी ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल. ये आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन विच कैन नॉट यूज फैटी एसिड्स एंड फ्यूल. अगर हमने हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बहुत कम हो गई है तो लिवर उस वक्त काम करता है, लिवर ब्लड को ग्लूकोज लेवल प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसके लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे डिपेंड करता है. इट कैन नॉट टेक फ्यूल एज अ प्रोटीन एंड फैटी एसिड्स एज अ फ्यूल. कुछ केसेस में जब डायबिटीज़ बहुत सीवियर हो जाती है और कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है तो कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं उनको भी ब्रेन जो होता है वो सेंस करता है. लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ उसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट रहती है. लिवर ग्लाइकोजन कैन बी डिप्लेटेड इनटू 12 to 24 hours में. तो लिवर का ग्लाइकोजन, जैसे ही आपने फास्टिंग की, ठीक है, आपकी फास्टिंग हुई तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, उस वक्त लिवर में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है वो आपको वो प्रोवाइड करवा देता है. लेकिन उस वो भी कब तक अवेलेबल रहता है, 12 to 24 hours की फास्टिंग में ही रहता है. इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है ये हम फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में देखेंगे. कि जब लिवर का ग्लूकोज कंज्यूम होने लग जाता है उस वक्त फैटी एसिड्स जो हैं इनमें प्रोसेस होता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है. In humans, the total amount of energy stored as glycogen is far less than the amount stored as fat, but fats cannot be converted to glucose in mammals and cannot be catabolized aerobically. ये हमें पता है कि fats जो हैं वो energy source होते हैं लेकिन वो glucose provide नहीं कराते. This is the case only in the animals. In plants में जो है एक अलग mechanism होती है, that is known as glyoxylate cycle. Yes.
ग्लाइक्सिलेट साइकिल होती है, जो जिसमें हम देखते हैं कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उसमें स्टोर्ड फैट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होता है उस वक्त तक जो भी प्लांट को स्टार्च या ग्लूकोज की जरूरत होती है वो फैटी एसिड्स के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। बट दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन एनिमल्स एनिमल्स लेकिन आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ये जो रिएक्शन होती है ये प्रेजेंट रहती है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स एग्रीगेटेड ऑफ द ग्लाइकोजन एंड द एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज इट एंड डिग्रेड इट एज वेल एज मशीनरी फॉर रेगुलेटिंग दीज एंजाइम्स। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आपने अभी अल्फा पार्टिकल या बीटा रोजेट जो पार्टिकल्स के मैंने नाम बताए थे उन इन पार्टिकल्स में क्या होता है, उसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, उसको सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, इनको रेगुलेट करने वाले एंजाइम्स भी उस पार्टिकल में प्रेजेंट होते हैं, यानी दे आर सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री। उनको किसी और पार्टिकल पर डिपेंडेंट नहीं रहना, वो पार्टिकल इटसेल्फ इंडिपेंडेंट है, उसमें सब चीज़ें प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, उसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स हैं, उसको सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स हैं, और ये जो डिग्रेडिंग और सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स हैं इनको कंट्रोल करने वाले दूसरे जो फैक्टर्स हैं या दूसरे जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रेजेंट है। दीज द जनरल मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग एंड मोबिलाइजिंग ग्लाइकोजन आर द सेम इन मसल्स एंड लिवर बट द एंजाइम डिफर इन सब्टल येट इंपॉर्टेंट वेज दैट रिफ्लेक्ट द डिफरेंट रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन टू टिश्यूज। ठीक है, ग्लाइकोजन इज ऑब्टेंड इन द डाइट एंड ब्रोकन डाउन इन द गट एंड दिस इन्वॉल्व अ सेपरेट सेट ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लाइकोजन एंड फ्री ग्लूकोज। देखिए डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो है वो हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो जो हमने ग्लाइकोजन डाइट के थ्रू लिए हैं उसका डिग्रेडेशन अलग तरीके से होता है, अलग एंजाइम्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व, प्रोडक्ट अलग बनता है, और वो ग्लाइकोजन जो हमारी सेल्स में स्टोर्ड है अगर हम उसका डिग्रेडेशन करते हैं तो वो स्टोरी थोड़ी अलग चलती है, उसमें एंजाइम्स अलग होते हैं, उसके प्रोडक्ट थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इज कैटलाइज्ड बाय द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, तो हाँ अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन एंजाइम जो है कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो डिग्रेडेशन से रिलेटेड हैं। तो स्केलेटन मसल्स एंड लिवर द ग्लूकोज यूनिट ऑफ आउटर ब्रांचेस ऑफ द ग्लाइकोजन एंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे थ्रू द एक्शन ऑफ थ्री एंजाइम्स, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम्स एंड फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोज म्यूटेज जो एंजाइम है ये आपका सिंथेसिस में भी वर्क करता है और आपके डिग्रेडेशन में भी हेल्प करता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज दैट कैटलाइज द एंजाइम्स विच एन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन टू ग्लूकोज रेजिड्यू एट नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन अंडरगोज अटैक बाय द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूविंग द टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यू एज डी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें नॉन रिड्यूसिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोजन के बारे में मैं आपको जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर्स को समझा है वहाँ पे हमने ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर को समझा था। ग्लाइकोजन जो है ये आपके ब्रांच्ड होते हैं एवरी 8 to 12 जो ब्रांचिंग होती है एवरी 8 to 12 रेजिड्यू पे हो जाती है, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड क्या होते हैं ये भी हमने कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर को जब समझा था उस वीडियो में पूरा अच्छे से दिया हुआ है। तो ये टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे क्लियर नहीं करूँगी, यू हैव टू गो फॉर दीज टर्मिनोलॉजी फॉर दोज वीडियोज। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होता है जो कि फर्स्ट एंजाइम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसका मेन रेगुलेटरी एंजाइम है, इसका जो वर्क करने का तरीका है वो क्या होता है, इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड जो ग्लाइकोजन के हैं उस पर वर्क करता है और वहाँ से ग्लूकोज को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के फॉर्म में लिबरेट करता है। दिस इज द डिफरेंस, ये एक डिफरेंस है जिसमें कि हम जो स्टोर्ड आपका ग्लाइकोजन है और जो आपका डाइट्री ग्लाइकोजन है उसके डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, वहाँ पे जहाँ डाइट्री जो डिग्रेडेशन होता है इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन इन द ल्यूमन ऑफ स्टमक, वहाँ पे क्या होते हैं आपके जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपके हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करते हैं और हाइड्रोलिटिक क्लीवेज में सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज वर्क कर रहा है जो कि आपका ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के फॉर्म में ग्लूकोज को लिबरेट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो इटसेल्फ फॉस्फेट ग्रुप को कैरी करके है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो निकल रहा है। तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है इसके इसके निकलने से या इसके लिबरेशन से क्या होता है,
एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को रन कराता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। 1 फॉस्फेट यहाँ पे बना है, इसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे फर्दर विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोफास्फो ग्लूकोम्यूटेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज अ थर्ड एंजाइम। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है, ये मसल्स की बात हो रही है, क्योंकि ग्लूकोज का एंजाइम के लिए जो प्रोडक्शन है ये सिर्फ हम मसल्स की बात करते हैं। लिवर का जो ग्लाइकोजन है ये सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने के काम में आते हैं। तो जो मसल्स में आप कहते हो कि विगरस एक्सरसाइज की और मसल्स का ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके एनर्जी जो है उसको कंज्यूम कम कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस को आपको ध्यान होगा, ग्लाइकोलिसिस में हम क्या करते हैं, शुरू में एक दो एक एटीपी हम यूज करते हैं उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे वो स्टेप बच जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपका ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रूप में रिलीज हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस है आपका, ये एक एनर्जी जो इकोनॉमिक एनर्जी वे में जो सेल वर्क करती है उसके लिए एक स्टेप है जिसमें हम ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म को पढ़ते हैं। लेकिन जो आपका डायट्री ग्लूकोज है उसमें जब एमाइलेसिस वर्क करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाता है वो, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ग्लूकोज रिड्यूस ग्लूकोज लिबरेट होता है। दिस फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बाय द एमाइलेज ड्यूरिंग द इंटेस्टाइनल डिग्रेडेशन ऑफ द डायट्री ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। इन फॉस्फोराइलेसिस सम ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रिजर्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फेट एस्टर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये आपकी एक रिएक्शन है जिसमें हमने एक समराइज किया हुआ है इसको कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की फॉर्म में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और जो ग्लाइकोजन है वो आपकी एन माइनस 1 हो जाती है, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसमें से कम हो जाता है। फिर फर्दर रोल आता है आपका फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का, जिसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यानी आपने म्यूटेज क्या करता है, एक ही जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स की पोजीशन को चेंज करता है, यानी आपका ग्लूकोज जो पहले 6 फॉस्फेट जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो अब 6 पोजीशन पे आ गया। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के क्या क्या रोल हो सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मे एंटर इन द फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट जो कि आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से रिलेटेड, या बहुत ज़्यादा जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स है वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये आपका ग्लूकोज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज सिंथेसिस को कन्वर्ट कर सकता है लिवर में अगर हम बात करें, और मसल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रन करेगा और अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज होगी अगर एरोबिक कंडीशन है। देखिए मसल्स का ग्लाइकोजन मसल्स में जो रिएक्शन चलती है वो भी डिपेंड करती है क्या अल्टीमेट फेट होगा, पायरुवेट बनेगा लैक्टेट बनेगा। अगर आपका मसल्स जो होते हैं नॉर्मल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ घंटे हमने एक घंटे के लिए हमने एक्सरसाइज की नॉर्मल एक्सरसाइज की, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, ग्लूकोज से आपकी एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज की और एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो गई, इतनी ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली कि अब एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो चुकी है, तो आपका क्या बनेगा, पाइरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, एंड दैट्स लैक्टेट जो होती है फिर फर्दर आपका लिवर में जाता है, फिर से वापस आपके पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, वो एक अलग स्टेप आ जाता है ना। ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट रिपीटेडली ऑन द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन ब्रांचेस अंटिल इट रीचेज अ पॉइंट 4 ग्लूकोज रेसिड्यू अवे फ्रॉम द N6 ब्रांच पॉइंट वेयर इट्स एक्शन स्टॉप, ठीक है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होता है ये बेसिकली आपका तब तक चलता रहता है जब तक कि आपकी ब्रांचिंग से 1 से 6 मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी ना रह जाए, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो स्टेप है इसमें हमने फॉस्फोराइलेज एंजाइम सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें जो पिंक कलर के आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ तक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होता है वर्क करता है, यानी 1 से 6 आपके मॉलिक्यूल्स जब रह जाते हैं उस वक्त फिर फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो वर्क करना बंद कर देता है। जो ग्लूकोज की नॉर्मल रेजिड्यूज होती है उसमें α14 लिंकेज होती है, लेकिन जो ब्रांचिंग साइड होती है वो कैसे होती है, α16 होती है, ठीक है। ये कोर एंजाइम्स हैं यहाँ पे, फिर ट्रांसफरेज एंजाइम्स आते हैं। ट्रांसफरेज एंजाइम्स जो हैं ये आपके क्या करते हैं, इसमें एक्चुअली दो एक्टिविटी होती है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फर्दर डिग्रेडेशन बाय द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कैन अकर ओनली आफ्टर द डी ब्रांचिंग एंजाइम ऑल्सो नोन एज ओलिगो 1,6,2 α14 ग्लूकेन ट्रांसफरेज कैटलाइज 2 सक्सेसिव रिएक्शन दैट ट्रांसफर द ब्रांचेस। तो इसके बाद जो रिएक्शन होगी जहाँ पे आपने क्या छोड़ा, एक लीनियर चेन
उसके साथ एक ब्रांच एसोसिएटेड है जिसमें 1 to 6 मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं। नाउ जो दूसरा एंजाइम्स है आपका वो होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम में दो एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है वो ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, जिसमें ये जो आपका 1-6 वाली है जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है लीनियर चेन के साथ। और उसके बाद में फिर इसमें हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी होती है, यानी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी जो होती है वो वापस से आती है और ग्लूकोज को हटाती जाती है। यहाँ पे हम दोबारा इसको देखेंगे, ट्रांसफरेज एक्टिविटी आई जिसने ये जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल, जो ब्रांचिंग वाला मॉलिक्यूल है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके येलो जो कि लीनियर चेन है उसके साथ एसोसिएट होता जाते हैं। इसके बाद में इसमें ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी जो होती है वो वर्क करती है, और ये जो एक ब्रांचिंग वाला एंजाइम है इसको भी हटा दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। नाउ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कैन एंटर द ग्लाइकोलिसिस। हम यहाँ पे जो थर्ड एंजाइम था, देखिए जो हमने तीनों एंजाइम्स पढ़े थे हम उन तीनों एंजाइम्स के रोल को डिस्कस कर चुके हैं, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम एंड फॉस्फोग्लूकोन्यूटेज। सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट रिपीटेडली ऑन द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन रीचेज अंटिल इट अ पॉइंट ऑफ 4 ग्लूकोज रेसिड्यू अवे फ्रॉम द अल्फा 1-6 ब्रांच पॉइंट विद इट्स एक्शन स्टॉप्स। Further degradation by glycogen phosphorylase can occur only after the debranching enzyme, formerly known as oligoglucan transferase, catalyzes 2 successive reactions that transfer branches. Once these branches are transferred and the glucosyl residue is C6 is hydrolyzed, glycogen phosphorylase activity can continue. ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कैन एंटर ग्लाइकोलिसिस इन लिवर रिप्लेनिश द ब्लड ग्लूकोज। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने डिग्रेड किया है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, इसके क्या रोल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, अब हम इसको डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का जो कन्वर्जन होता है, दिस रिएक्शन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोफॉस्फोग्लूकोन्यूटेज। इनिशियली फॉस्फोराइलेटेड at serine residues, enzyme donate a phosphoryl group to C6 of the substrate and then accept the phosphoryl group from C1. ये एक mechanism का portion है, आप इसको छोड़ सकते हैं। Glucose 6-phosphate formed from the glycogen in the skeletal muscle can enter the glycolysis and serve as an energy source to support muscle contraction. तो muscles को कॉन्ट्रेक्शन के लिए, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्ट, मसल्स की आप किसकी बात कर रहे हैं, आप कार्डिक मसल्स की बात करके कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे विसरल जो मसल्स होती हैं उनकी बात कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही होती है। स्केलेटल मसल्स जब हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस वक्त होता है, लेकिन कुछ मसल्स होती हैं जो लगातार हमारी बॉडी में वर्क कर रही होती हैं, उन बॉडी को कॉन्स्टेंट सप्लाई की ज़रूरत होती है एनर्जी की, और ऑक्सीजन का लेवल भी जो होते हैं इन मसल्स में ज़्यादा होते हैं। तो जो भी आपका ग्लाइकोजन आपने लिया, जो भी आपका स्टोर था ग्लाइकोजन, उसको डिग्रेडेशन यहाँ पे किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लाइकोजन इन स्केलेटल मसल कैन एंटर द ग्लाइकोलिसिस एंड सर्व एज द एनर्जी सोर्स टू सपोर्ट मसल कॉन्ट्रेक्शन। लेकिन अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर में क्या होता है, ये सिर्फ आपका ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसको हेल्प करने में काम में आता है। बिकॉज मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज लैक ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेसिस, दे कैन नॉट कन्वर्ट द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन टू ग्लूकोज एंड दीज टिश्यूज देयरफॉर नॉट टू कंट्रीब्यूट द ब्लड ग्लूकोज। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन सर्व एज अ डिफरेंट पर्पज टू रिलीज ग्लूकोज इन टू द ब्लड व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप एंड इट डज बिटवीन द मील्स। देखिए आप ये जो मैंने अभी एक जो पॉइंट बोला है इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करती हूँ कि लिवर में जो होते हैं सिर्फ लिवर ही ऐसा क्यों कर पाता है कि वो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं, मसल्स क्यों नहीं कर पाती हैं या एडिपोज टिश्यूज क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बिटवीन मील जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा कम ज़्यादा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लीवर ग्लाइकोजन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन सर्व एज दिस रिक्वायर एन एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेसिस दैट इज प्रेजेंट इन लिवर एंड किडनी बट नॉट इन अदर टिश्यूज। देखिए जो लिवर में जो ये स्टोरी चलती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने की, ये एक एंजाइम पे डिपेंड होती है, दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेसिस। ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेसिस सिर्फ और सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होता है और किडनी में प्रेजेंट होता है। किडनी में भी क्या होता है, आपके ग्लूकोज जो चला जाता है उसको वापस से ब्लड में वापस से लेके आने का काम, इसलिए यहाँ पे भी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम लिवर की सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की
इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होता है, जो कि इक्विवेलेंट होती है आपके एक्सटीरियर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे ही ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इसमें एंटर करता है ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो होता है उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करता है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, ठीक है, कैपिलरीज में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो क्योंकि ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ आपके लिवर में प्रेजेंट है, इसलिए सिर्फ लिवर ही आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन लिवर या मसल्स में क्या डिफरेंस है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो हम डाइटरी ग्लाइकोजन होती है या जो हमने स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो लिया है जो होता है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, ग्लाइकोजन का कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज कंसर्न विद योर डिग्री एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप जब एमएससी में इसको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, वहाँ पे आप इसके रेगुलेशन स्टेप को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप चूंकि यूजी लेवल पे आप मैकेनिज्म को समझिए अच्छे से, रेगुलेशन लेवल हमने एक और वीडियो है इसमें आपके सिलेबस में है रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, वहाँ पे हमने इसके थोड़े बहुत थोड़ा रेगुलेशन के पार्ट को भी समझने की कोशिश की है कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो किस तरह से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।